मैं हूँ दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन के पास, और उसके सामने ही मैं आपको जिस तरीके से दिखा दूँ, जूते चप्पल जो हैं बनाते हैं यहाँ पर, बैठे हुए हैं काफ़ी लोग। ये देखिए आप, वो देखिए। लेकिन आज जो है, जिस तरीके से हमारा देश करोना महामारी से जो है जूझ रहा है, और एक तरफ यहाँ पर जो है जूते बना रहे हैं, जो चप्पल का जो काम करते हैं सड़कों पर बैठ के, जो आपको मैं दिखा दूँ। आइए इनसे पूछते हैं, क्योंकि लोग तो बाहर निकल नहीं रहे हैं, लेकिन इनका जो है काम कैसे चल रहा है। और लगातार जो कई लोग कहते हैं हम दलितों के नेता हैं, आज वो दलितों के नेता कहाँ हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ जो है गरीब दलित सड़कों पर बैठ कर के मेहनत मजदूरी करके जो रोटी अपनी एक दिन की कमाता था, खाता था, आज उसका वो भी काम छूट गया है, क्योंकि लोग घर से बाहर जब नहीं निकलेंगे तो उनके पास चप्पल जूते कौन ठीक कराने आएगा, या बूट पॉलिश कराने कौन आएगा। तो इस समय कैसे आपका घर कैसे चल रहा है? जो कमाना तो 150 रुपये कमाते, बच्चों को क्या करते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा, वो भी नहीं हो रहा मैडम, क्या करें। तो कोई नेता या कोई यहाँ कोई नेता वैसे कोई नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया, कोई सोच नहीं हुई। आपके घर कभी कोई ऐसे आप लोगों के यहाँ कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा? हम जो कमाल वोट दिए थे, वोट में हर साल में मैंने पूरे परिवार पंजे मिलते हैं, लेकिन आज कोई नेता कोई यहाँ को नेता दलितों की बात करता रहता आज कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए ये थे जो इन्होंने बताया कि आज इनका काम भी जो है, लोग नहीं निकल रहे हैं तो कहाँ से कोई बूट पॉलिश कराएगा, या किसी की चप्पल टूट जाती है तो वो चप्पल ठीक कैसे कराएगा, क्योंकि लोग घर से बाहर अभी बंद है, लॉकडाउन है, इस वजह से। अंकल आप किस उतरने वाला कोई दलित समाज आया? कुछ नहीं, कोई नहीं आया। दलित जो नेता बनते हैं कोई नहीं, सब वोट लेकर साइड में हो जाते हैं, साइड में हो जाते हैं। हमें तो राशन रूशन बांट रहे हैं, हमें तो किसी ने ये भी नहीं कहा, इन्हें देखे भी जाके। तो आपका जो टीआर है, आप जूता चप्पल बनाते हैं, लगातार यही बैठे रहते हैं? हम बैठते स्टेशन के आगे। अच्छा, अब वहाँ तो रेलवे सब बंद है, इसलिए यहाँ बैठना पड़ा। कोई बूट पॉलिश नहीं कराने आ रहा? कोई नहीं जी, सवेरे से एक भी नहीं करा। तो घर का कैसे चल रहा है? यही है, जो 10-20 रुपए कम जाते हैं उसे कर रहे गुजारा। वोट दिए थे? हाँ, वोट देते हैं। तो वोट जिसे दिए वो मतलब, अरे कोई नहीं कोई सुनता मैडम, ये तो उसी टाइम सुनते हैं, उसी टाइम सुनते हैं वो, जिस टाइम उन्हें वोट की जरूरत होती है तब घर घर। वैसे हाँ, वैसे कभी नहीं आया कोई भी। तो देखिए ऐसी स्थिति यहाँ पर जो है, गरीब मजदूर और एक जो है जी, सब राशन वासन देंगे, किसी ने हमें तो पूछा ही नहीं तो राशन कहाँ से मिलेगा। तो केजरीवाल जी तो आप दिल्ली में रहते हैं ना? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। राशन कार्ड तो नहीं, पहचान पत्र है तो उसे कुछ देखते ही नहीं। ऑनलाइन आपने अप्लाई नहीं किया? ना जी, हमें आपको आता ही नहीं होगा, बच्चे बच्चे हैं उन? हाँ बच्चे हैं, बाकी वो भी ऐसे कर रहे हैं। किस तरीके से करना है, कहाँ लिखे पढ़ों का काम है मैडम, ये अनाड़ी को कौन देखता है। देखिए ये सरकार को बहुत सोचना चाहिए कि सभी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि राशन कार्ड किस तरीके से ऑनलाइन भी जो है बनेगा, कैसे हो गया, और इन तक वो सुविधाएं जो सरकार दे रही है वो भी नहीं पहुंच पा रही है। आज लाई हो? घर का खर्चा चल जाएगा थोड़ा सा। देखिए हमारे साथ एक अम्मा है जो आज ही चप्पल लगा करके यहाँ बैठी हैं, और सोच रही हैं कोई आएगा और इनसे चप्पल खरीदेगा और आज का जो है इनके घर का चूल्हा जलेगा, लेकिन शायद अभी तक इनकी एक भी चप्पल जो है नहीं बिकी है। अम्मा क्या बिकी? नहीं बिकी अभी तक एक भी नहीं। और हमारा बड़ा लड़का गुजर गया, 3 बच्चे हमारी जान को छोड़ गया, और बेटा राशन आज तक नहीं मिला मुझे, कि 1 किलो आटा भी मिला हो यहाँ।
या बेचने वाले को देते हैं, खाने वाले को नहीं दे रहे? वोट देती हो? वोट तो देते ही हैं। देखिए वोट देख, दलितों के नेता बनते हैं दलित, जब दलितों की इन नेताओं को ज़रूरत होती है तो इनके आगे आते हैं, इनके पैर पड़ते हैं। आज दलित इस भूखमगरी की कगार पे जो बैठा हुआ है यहाँ पे, ये मानने में, सही मानने में जो है इन्हें ज़रूरत है आरक्षण की, जो इन तक नहीं पहुँच पा रहा है। और मलाई कौन खा रहा है आप समझ सकते हैं, आरक्षण के नाम पर जो मलाइयाँ खा रहे हैं आप वो भी समझ सकते हैं। और जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, जिन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिन्हें सरकारी सुविधा, जो भी सरकार की सेवा होती है जिन तक पहुंचनी चाहिए, उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दलितों के नेता बनने वालों, जरा इस ओर भी देख लेना एक बार। आप कब से ये काम कर रहे हो और यहाँ पर अभी तक आपकी सुत लेने वाला कोई आया? कोई सुत लेने वाला कोई आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। कोई दलित समाज से, दलित नेता कोई आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं पूछने आया, कोई भी पार्टी से कुछ नहीं आया कोई? आप राशन कार्ड बन रहा है? हमारी मम्मी का राशन कार्ड। पहचान पत्र? पहचान पत्र है। देखिए लगातार जो कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, हम बहुजनों के नेता हैं, हम दबले कुचले मजदूरों के नेता हैं, आज ये कहाँ हैं? ये देख रहे हैं आप, इन 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 तक सरकारी सुविधा नहीं गई है, अभी तक नहीं पहुंची है सरकारी सुविधा। इन लोगों का कहना है कि पहचान पत्र है लेकिन इनको राशन नहीं मिल रहा है। ये देखिए ऐसी सरकार है, दलितों के नाम पर खुद तो अपने राजनीति बनाते हैं, राजनीति चलते हैं, लेकिन जो सही मानने में आरक्षण, जो भी सुविधा है मिलनी चाहिए, वो सही मानने में जिन तक पहुंचनी चाहिए, क्या पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकॉन दबाना ना।